दिल्ली के रामलीला मैदान में शुक्रवार को शुरू हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज अंतिम दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें समापन संबोधन देंगे। पहले दिन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस पर रोड़ा अटकाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि बीजेपी संविधान के तहत राम मंदिर के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 1950 से जो विचारधारा लेकर चले थे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। रामलीला मैदान में देश भर से बड़ी संख्या में आए पार्टी नेता, सांसद, विधायक एवं कार्यकर्ताओं के उद्घोषों के बीच शाह ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और इसमें कोई दुविधा नहीं है। शुक्रवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कृषि प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कृषि, किसान और कृषि क्षेत्र की मजबूती पर सरकार के कार्यों को रेखांकित किया गया। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस बैठक का भव्य आयोजन किया गया है जिसमें प्रदेश भर से अलग अलग जगहों से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहां पहुंच रहे हैं और इसी के साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन यहां पर देंगे, इनको संबोधित करेंगे। और इसी के साथ ही जो एक बड़ा एक तरीके से बात यहां पर अमित शाह ने कही है वो ये कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी में किसी भी तरीके की कोई दुविधा नहीं है और राम मंदिर उसी निर्धारित जगह पर बनना चाहिए। तो मिशन 2019 के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। हर तरह से जनता को लुभाने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, चाहे वो जीएसटी को कम करना हो, फिर चाहे वो इनकम टैक्स में कमी कटौती करनी हो या फिर चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा ही क्यों ना हो। हालांकि राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में है और इसकी अगली सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद ही क्या फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है वो बहुत अहम है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी ओर बीजेपी ये भी कह रही है कि राम मंदिर को लेकर पार्टी में किसी भी तरीके की कोई दुविधा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी चाहती है कि अयोध्या में निर्धारित जो जगह है वहां पर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जाए। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज अंतिम दिन है, यानी कि दो दिन की ये पूरी बैठक थी। पहले दिन अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ पर तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे अलग अलग प्रदेशों से जो आए थे उनको यहाँ पर संबोधित किया और उसके बाद आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन संबोधन देंगे। तो मिशन 2019 के लिए ये बैठकें जो लगातार चल रही हैं उसको काफी अहम माना जा रहा है और लगातार बीजेपी तो रविंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रदेश अरविंद यादव जी बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार अरविंद जी, अब अमित शाह ने पार्टी को संबोधित किया लेकिन आज समापन संबोधन पीएम मोदी की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर शाह ने यह भी कही कि राम मंदिर को लेकर किसी भी तरीके की कोई दुविधा नहीं है। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। जो विषय है वो समय आने पर सारी चीजें कोर्ट का विषय है, कोर्ट इसको तय करेगा जी। सरकार को तय करना होगा, सरकार तय करेगी, लेकिन कोर्ट में चल रहा है तो जुडिशियल मैटर है, इसमें क्यों इंटरफेयर कोई करेगा। उनका तो स्पष्ट संदेश था सब कार्यकर्ताओं को, देश को जी। चलिए इसी के साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जो बीजेपी की तरफ से लगातार सबसे पहले आरक्षण को लेकर यहाँ पर फैसला लिया गया, उसको मंजूरी, फिर जीएसटी में बदलाव की बात, फिर उसके बाद इनकम टैक्स में भी कमी लाने की बात और अब राम मंदिर को लेकर, क्योंकि ये जो सारे पहलू अगर जोड़ के देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं 2019 की तरफ टारगेट करते हैं। अरविंद जी देखिए, राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और सारे निर्णय निश्चित तौर पर जो है इसमें हम कहाँ मना कर रहे हैं कि क्यों ना होंगे 2019 से, क्योंकि ये समाज परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन का हमने वायदा किया था देश के साथ और कुछ कड़े फैसले भी लेना पड़े तो उससे भी मोदी सरकार ने पीछे हटने का काम नहीं किया। उन्होंने निश्चित तौर पर लिए है जो 10% आरक्षण ऊंची जाति के निम्न स्तर के लोगों को देने की बात थी उसके ऊपर भी सरकार ने बहुत मजबूत स्टैंड लिया है। जीएसटी लागू करने की बात थी, सरकार का इससे मजबूत स्टैंड कोई हो नहीं सकता।
सरकार ने जितने भी स्टैंड, नरेंद्र मोदी जैसा डायनामिक लीडर ही इस देश को व्यवस्था परिवर्तन की ओर ले जा सकता है, किसी और से आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते आज की तारीख में। अरविंद जी, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि लगभग 4.5 साल पूरे हो गए हैं, 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो इतने समय के अंतराल में जब बीजेपी इतने डिसीजन नहीं ले पाई, तो अब एक के बाद एक इतने कम समय में शॉर्ट डिसीजन लेके इसको आगे चल के पेंडिंग तो नहीं रखना चाहती, ये भी इस तरीके के सवाल भी विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अरविंद जी, उन्होंने 5 साल का समय मैंडेट 5 साल के लिए दिया था, वो 5 साल के पेपर में कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, ये परीक्षार्थी को तय करना होता है, ये कांग्रेस को तय नहीं करना है। कांग्रेस विपक्ष में अपनी भूमिका निभाए ना, उसमें कहाँ कोई मतभेद है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे करें, लेकिन सरकार को 5 साल का मैंडेट है, कौन सा 4थे साल में करना है, कौन सा 3रे साल में करना है, कौन सा 5वें साल में करना है, ये सरकार चलाने वाले को देखना है, कौन सा क्वेश्चन आखिरी में करना है, कौन सा पहले करना है, तो वो उस हिसाब से निर्णय हो रही है, सरकार कर रही है। चलिए, उस हिसाब से निर्णय सरकार ले रही है। बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी आज समापन संबोधन देंगे और इसी के साथ ही 2019 बहुत करीब है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकों का इस तरीके का दौर भी अब जारी है। की बैठक का पहले दिन अमित शाह ने इस बैठक को संबोधित किया और इनके साथ ही उन्होंने जहां राम मंदिर को लेकर कहा कि बीजेपी में कोई दुविधा नहीं है, बीजेपी चाहती है कि राम मंदिर का निर्माण हो, उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 1950 की जो विचारधारा है उसको लेकर अभी तक चल रही है और आगे भी उसी विचारधारा के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। और इसके साथ ही कई